बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत अच्छे कमेंट्स मिले. मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लग रहा है कि मतलब कमेंट्स अप टू 40,000 हो गए. ओह वाओ, ओह रियली वाओ, दैट्स ग्रेट. लाइक 5.5 लाख. 5.5 लाख और ट्रेंडिंग तो है. मतलब लोगों ने मुझे मेरे पास होने पे इतना कांग्रेचुलेशंस और मैंने जब पहले के जितना के सॉन्ग पे कर रहे हैं, सो व्हिच वाज लिटिल स्ट्रेंज फॉर मी, बट आई एम रियली हैप्पी. और मैं ये नहीं बोलूंगी कि एक्सपेक्ट नहीं किया था, पूरा एक्सपेक्ट किया था और बहुत मेहनत की थी, तो अब जब उसका फल मिल रहा है तो बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है. मैं तो ये बोलूंगा, मुझे पता था कि हर जगह ट्रेंड में रहेगा, हालांकि टिकटॉक बहुत यूज करते हम लोग, तो अभी मेरे एक्सप्लोर में सिर्फ वो गाना ही दिख रहा है. लोग सारे लोग मतलब उसी चीज को मतलब छोटा छोटा क्लिप कट करके उसको टिकटॉक पे डाल रहे हैं. हर जगह मतलब जहाँ जो एप्लीकेशन पे देख रहे हो सॉन्ग दिख रहा है मुझे. अच्छा, इंडस्ट्री में कमेंट्स की बात करें तो कुछ आए इंडस्ट्री से कमेंट्स, और अगर मिले तो क्या कहेंगे? कमेंट्स इतने हैं कि पढ़ ही नहीं पाएंगे इंडस्ट्री से. कोई इंडस्ट्री से? अरे मुझे सबके बहुत अच्छे कमेंट्स आए, जिनके भी आए सब कॉम्प्लीमेंट्स ही आए, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे लिए आए या फिर यू नो किसी पर्टिकुलर, आई थिंक ओवरऑल वीडियो के लिए आए, यू नो सबके लिए आए. तो आई थिंक वो बहुत अच्छा अचीवमेंट है कि किसी को पर्टिकुलरली नहीं बोला जा रहा कि यार ये चीज़ अच्छी लग रही है, बाकी इधर कमी रह गई. जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं वो ओवरऑल पूरी वीडियो के लिए आ रहे हैं, विच आई थिंक इज ग्रेट. She's not moving from that platform. टिकटॉक स्टार बहुत है मगर प्रोफेशनल वीडियो हर कोई नहीं बनाता है. और मुझे मैं जो काम कर रहा हूँ टिकटॉक पे और जैसी मैं वीडियो बनाता हूँ, तो मैंने मेरी एक्सपेक्टेशन थी और मैंने सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा. ऐसे वो वैसे कंटेंट क्यों बनते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं वैसे कंटेंट बनाने से वायरल होंगे, मगर अभी वो भी उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन आ गए टिकटॉक पे, तो अभी वैसी सारी वीडियोस तो ब्लॉक हो जाती है और अभी लोग भी कम कर दिए बनाना. आई थिंक इट्स ग्रेट एंड उसका फल भी दिख ही रहा है हमें. और आने से पहले ही इतना प्यार मिल रहा था, जब हमने पहला लुक डाला था कि हम दिस लीड आ रहे हैं, तभी से इन्होंने मुझे नेक्स्ट डे शूट पे बोला कि मुझे तो कॉल्स आने लग गए कि वाह दिस इज गोना बी ग्रेट, दिस इज गोना बी एपिक. और तभी से मैं बोल रहा हूँ इतना लोग वेट कर रहे थे और हैशटैग भी इतने पिक्चर्स एंड ऑल, मतलब अभी एक्सपेक्ट करते कि जब गाना आएगा तो बड़ी हाइप मिलेगी, लेकिन इसको तो आने से पहले ही इतनी हाइप मिली हुई थी कि आई वाज लाइक ओके दिस इज समथिंग. ओके, पैसों आपसे जानना चाहेंगे, एक बार पैसों आपसे जानना चाहेंगे, आपका ये फर्स्ट डेब्यू है एल्बम, तो कितना यू नो नर्वसनेस थी एक्टिंग करने के लिए जन्नत के साथ? जन्नत ने आपको कुछ ट्रेनिंग या टिप्स दिया था? थैंक यू. हाँ, जन्नत तो एक्टर है तो तो उसने मुझे उसने बहुत हेल्प की है इस चीज में. सो कितना मजा आया व्हाइल शूटिंग और कितनी नर्वसनेस? शुरू में थोड़ा डर लग रहा था. मैं शूट नहीं कर पा रहा था शुरू में अच्छे से, और मैं कंफर्टेबल भी नहीं था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कैमरा फेस कर रहा था, हालांकि हमेशा मैंने मोबाइल ही फेस किया है. तो जन्नत ने भी मुझे बहुत बताई है कि ऐसे से ऐसा करो ऐसे से, तो थोड़ा थोड़ा करते करते हो गया. आई थिंक मुझे तो गर्मी पे ध्यान देने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैं और चीज़ों को इतना इन्जॉय कर रही थी म्यूजिक को और काम को, फिर हम इतना घूमे तो आई थिंक मेरा बिल्कुल ध्यान गया ही नहीं धूप में या फिर गर्मी में.
पूरा ध्यान तो शूट पे ही था, जल्दी से एकदम फोकस था, फोकस्ड आर्टिस्ट है, इनको ठंडी गर्मी इनको कोई मायने नहीं रखती। ओके राम जी, फैशन को जन्नत को लेने का कोई मोटिव कुछ ऐसा था जो इन दोनों को आपने चूज किया? नहीं, आई जस्ट कुड इमेजिन बोथ ऑफ देम लुकिंग गुड एंड आई थिंक ही इज द किंग एंड शी इज द क्वीन ऑफ टिकटॉक, दैट्स व्हाट पीपल कॉल, एंड आई कुड जस्ट इमेजिन देयर केमिस्ट्री लुकिंग वेरी गुड एंड जन्नत इज सच अ वेरी, आई थिंक शी इज़ अ वेरी 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 गुड एक्टर एंड जब ये रोते हैं वीडियो में तो आपका किधर ना किधर दिल रोएगा साथ में, सो आई थिंक शी इज़ डन एब्सोल्यूटली वेरी वेरी वेल, आई थिंक इमोशनल एक्ट्रेसेस में शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस एंड इनकी स्माइल पे, फैजू की स्माइल पे मतलब उधर ख़त्म हो जाती है बात, सो द एंटायर पैकेज केम आउट सो नाइसली एंड द वे यू नो बेसिकली हाउ फैजू इज, जैसे फैजू का इमेज है कि ही इज़ ऑलवेज विद हिज फ्रेंड्स यू नो, सो वी केप दैट लिटिल इनटेक इन द वीडियो दैट यू नो ही इज़ ऑलवेज विद हिज फ्रेंड्स, बट वो आप प्लीज़ डायलॉग बोल के सुनाइए सबको, आई थिंक दैट विल कम वेरी नाइसली। हाँ, मैं आपसे बहुत इसमें बोलूँ? हाँ बोलो, ऐसे बोलो। हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं मेरे दोस्तों से ही बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि मेरे दोस्त हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं।